प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है नई शिक्षा नीति, एक नए सवेरे की शुरुआत। नई शिक्षा नीति एक नए सवेरे की शुरुआत पर आधारित नीति है। यह शिक्षा नीति मानव निर्माण एवं फल सृजन के सिद्धांत पर केंद्रित नीति है। इट्स कॉल्ड मैन मेकिंग एंड फ्रूट बियरिंग एजुकेशन। इस सिद्धांत पर आधारित यह शिक्षा नीति मानव संसाधन मंत्रालय के संपूर्ण ढांचा के में एक बदलाव का प्रस्ताव रखता है और शिक्षा मंत्रालय के सृजन की बात प्रस्तुत की गई है। इस शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, माध्यमिक शिक्षा का वोकेशनलीकरण एवं उच्चतर शिक्षा का विशेषीकरण, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इज द थीम ऑफ आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस नीति में बड़े बदलाव के तहत 5+3+4+4 शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है। इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात कही गई है, जिसके तहत 3 से 6 वर्ष का बच्चा अब प्री प्राइमरी स्कूल में जाकर खेल कूद, पहेलियां, सृजनात्मक गतिविधियों से जुड़ा कार्यक्रम में अपने आप को आनंदित, प्रफुल्लित और मन मनोरंजित करने का प्रयास करेगा और अपने व्यक्तित्व का आरंभिक विकास प्रस्फुटन करने का प्रयास करेगा। उसके बाद 6 वर्ष की उम्र में वह पहली कक्षा में जाएगा, 7 वर्ष की उम्र में वह दूसरी कक्षा में जाएगा, फिर वह 5वीं की पढ़ाई करेगा। 5वीं की पढ़ाई बिल्कुल मातृभाषा में, यानी कि आरंभिक से लेकर 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई बिल्कुल मातृभाषा में की जाएगी। 6वीं कक्षा में वोकेशनलाइजेशन पर जोर दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा, जहां छात्र कोडिंग भी करेंगे, डिकोडिंग भी करेंगे, तरह तरह के एप्स को सीखेंगे, तरह तरह के लैंग्वेज को सीखेंगे और तरह तरह के उनको इंटर्नशिप भी कराया जाएगा। यानी कि 6वीं कक्षा से ही इंटर्नशिप का प्रावधान है, जिसमें वो काफी हद तक व्यावहारिक ज्ञान और उपयोगी ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 4 साल तक वह अपने 4 साल के बाद वह बोर्ड की परीक्षा देगा और जो 10वीं की पढ़ाई है और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें काफी सरलीकरण का प्रयास किया गया है, ताकि छात्रों पर कोई अतिरिक्त दबाव ना पड़े। यहां तक कि स्कूली शिक्षा में भी बच्चे के बोझ से कम करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान शिक्षा में बच्चे का वजन से बच्चे के बस्ते का वजन ज्यादा है, तो उसको काफी हल्का और मनोरंजक और सृजनात्मक बनाने का प्रयास किया गया है। यानी कि 5+3+4+4 शिक्षा पद्धति पर यह आधारित है, यानी कि 5वीं, फिर 8वीं और फिर वह परीक्षा के बाद 4 साल का बैचलर डिग्री करेगा। 4 साल की बैचलर डिग्री में उसको डिग्री विथ रिसर्च की उपाधि दी जाएगी। अगर वो 3 साल में वो उपाधि अर्जित करता है तो उसे केवल बैचलर की उपाधि दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इस शिक्षा पद्धति में प्रवेश और निकास में काफी लचीलापन रखा गया है। कोई विद्यार्थी 1 वर्ष में अगर बैचलर की पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, 2 वर्ष में छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा की उपाधि दी जाएगी, 3 वर्ष में छोड़ता है तो उसे डिग्री दी जाएगी और 4 वर्ष में यदि वह बैचलर की डिग्री हासिल करता है तो उसे बैचलर विथ रिसर्च की उपाधि दी जाएगी। यानी कि 4 साल का बीए वही करेगा जिसे आगे हायर एजुकेशन में जाकर पीएचडी करना है, टीचिंग में जाना है। उसको रिसर्च का जो एक्सपोजर है वो ग्रेजुएशन लेवल पर ही दिया जाएगा, यानी कि रिसर्च की पढ़ाई पर भी काफी जोर दिया गया है और ऐसे रिसर्च की पढ़ाई पर जोर दिया गया है वह जो मानव उपयोगी हो, जो समाज उपयोगी हो, राष्ट्र उपयोगी हो, विश्व उपयोगी हो, उद्योग उपयोगी हो, बाजार उपयोगी हो। यानी कि
चार साल का बैचलर डिग्री किया जाएगा। एमफिल को समाप्त करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां एमफिल की पढ़ाई होती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तो पीएचडी में नामांकन के लिए एमफिल करना अनिवार्य है। ऐसे और भी एक आध विश्वविद्यालय हैं, परंतु एमफिल की पढ़ाई अभी भी भारत में एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में है। परंतु इस नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल की पढ़ाई को पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव है। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इन तीनों बॉडी को मिलाकर एक संयुक्त संगठन का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि संपूर्ण उच्चतर शिक्षा का समन्वयन और संचालन सुचारू रूप से हो सके। संपूर्ण उच्चतर शिक्षा में कम से कम खर्च करके अधिक से अधिक प्रभावी परिणाम निकालने का प्रयास किया जाए। इन तीनों बॉडी को मिलाने से यदि एक संगठन का निर्माण किया जाता है तो इसमें धन की बचत, संसाधन की बचत, ऊर्जा की बचत और समय की बचत होती है, और साथ साथ बेहतर समन्वयन और संचालन संभव है। जितने भी रिसर्च होंगे, चाहे वो सोशल साइंस के हों, ह्यूमैनिटीज के हों, प्योर साइंस के हों, उनको एक नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च के तहत रखा जाने का प्रस्ताव है। यह तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में डीएस कोठारी, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, उनकी सिफारिश पर प्रथम शिक्षा नीति वर्ष 1968 में बनाई गई थी। द्वितीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 में बनाई गई थी, और फिर वर्ष 1992 में द्वितीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किया गया था, और ये तृतीय शिक्षा नीति है जो वर्ष 2020 में बनाई गई है। इसमें शिक्षा के बजट को 4.43% से बढ़ाकर 6% तक करने का प्रावधान है। सभी इस शिक्षा नीति के तहत सभी विश्वविद्यालय, चाहे वो राज्य विश्वविद्यालय हो, केंद्र विश्वविद्यालय हो या कोई संस्थान हो, सब में एक जैसे नियम, एक जैसी कानून व्यवस्था, एक जैसी शिक्षा नीति, एक जैसे पाठ्यक्रम अपनाने का प्रस्ताव है। महाविद्यालयों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, यानी कि महाविद्यालय में जो प्राचार्य है वही उसका प्रधान है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कुलपति का, विश्वविद्यालय का, कुल सचिव का, डीन कॉलेज का कोई नियंत्रण नहीं होगा, और विश्व महाविद्यालय अपने आप में एक पूर्ण स्वायत्त निकाय के रूप में अपना कार्य संपादित करेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यह एक अति उत्तम शिक्षा नीति है, परंतु किसी भी शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में उसके छात्र, उसके शिक्षक, उसके संस्थान से जुड़े जो कर्मचारी पदाधिकारी हैं, उनकी अमूल्य भूमिका, अद्भुत भूमिका होती है। यदि शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहेगा तो कोई भी सरकारी नीति कारगर नहीं होगी। यदि हमारे मनसा, अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, बलवती नहीं होगी, अगर छात्रों में पढ़ने की लालसा नहीं होगी, तो कोई शिक्षा नीति, चाहे वो कितना भी अच्छा बनाया जाए, उसके परिणाम नहीं आएंगे। इसलिए इस शिक्षा नीति को युद्ध स्तर पर क्रियान्वित करने की नितांत आवश्यकता है। इसमें शिक्षकों का, छात्रों का, शोधार्थियों का, विश्वविद्यालय से जुड़े पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का के सहयोग की आशा है, और इस सहयोग पर ही यह शिक्षा नीति आपको अमली जामा पहनाया जा सकता है और वास्तविक रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है। तभी यह शिक्षा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र का निर्माण, हमारे कृतित्व का निर्माण, हमारे अस्तित्व का निर्माण करने में अपनी सार्थक भूमिका निभा पाएगी। तभी यह शिक्षा सच्चे अर्थों में मानव का निर्माण और फल सृजन की अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर पाएगी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इसके प्रथम भाग में अपनी वाणी को विराम देता हूं। यहां तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार के संकोच हो, तो आप बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।